लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बहुत स्पेशली आप लोगों को कहना चाहूँगा, वो सभी सुन लें। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको बाहर नहीं जाना चाहिए इस समय, जब तक ग्रहण की कंडीशन हो अपनी सेफ्टी रखें, क्योंकि वैसे भी आजकल कोरोना की बीमारी हम लोगों को परेशान कर रही है, ऊपर से ये ग्रहण पड़ रहा है। निश्चित तौर पर जो पिछला ग्रह 5 तारीख को लोग कह रहे थे कि एक चंद्र ग्रहण है, भारत में वो चंद्र ग्रहण नहीं था और ना दिखेगा, ना दिखा है, क्योंकि जो दिखेगा नहीं, जहाँ है ही नहीं, वहाँ उसकी कोई जो नियमावली है वो फॉलो नहीं की जाएगी। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है वो पूर्णतः भारत में दिखेगा और इसकी नियमावली है, तो हम लोगों को उस बीच में कुछ खाना नहीं चाहिए, हम लोगों को उस बीच में सोना नहीं चाहिए, कम से कम जब तक ग्रहण चल रहा हो उस पीरियड में बिल्कुल सोना भी नहीं चाहिए हमको। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जितना आप सावधानी बरतेंगे उतना ही अच्छा है, और जितनी भी प्रेग्नेंट माताएं हैं हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन में जाप करें। बाकी के जितने भी लोग हैं जिस समय तक ग्रहण पड़ रहा हो उस समय अगर हम लोग अपने गुरु मंत्र का जाप करें, उतनी देर गुरु मंत्र का जाप करें, तो निश्चित तौर पर वो जो मंत्र है उस समय हमें कई सिद्धियां प्राप्त कराता है और हमें बहुत उसका फल भी मिलता है। तो हमें ग्रहण के समय दान पुण्य इत्यादि करते रहना चाहिए, उसके पहले भी हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्र का जाप करना है। जितना हम ज़्यादा मंत्र का जाप करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो कोरोना से भी बचने के लिए आप प्रार्थना करें सूर्य ग्रहण के समय, और सूर्य ग्रहण में ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करें, जितना भी हो सके दान पुण्य करें, और जब ग्रहण की मुक्ति हो जाए उसके बाद ही भगवान की पूजा करके प्रसाद ग्रहण करें। तो जो ग्रहण मर्यादाओं का पालन न करने वालों के लिए अगर वो मंगलकारी हो सकता है, कई राशियों पे वो भारी भी पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और जिन जिन राशियों पे, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ इसलिए मैं इन सब चीज़ों का विश्लेषण नहीं करना चाहता, ज़्यादा बताऊँगा तो फिर बहुत समय आपका लग जाएगा और वो मैं राशियों के संदर्भ में आपको कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ जिन जिन राशियों पर ये भारी पड़ने वाला है उनको ज़्यादातर ऑलमोस्ट भगवान का भजन अधिक करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जिनके आगे कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, सिर्फ एक ही श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, कृष्ण चाहें तो सारी ग्रह यूँ घूम जाए, कृष्ण चाहें तो यूँ घूम जाए, अगर आप कृष्ण के हो तो सारी ग्रह आपके अनुकूल ही चलने वाली हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस सूर्य ग्रहण पर सावधानी रखें, स्वात और आप भगवान का भजन करते रहें। राधे।